सारे हमारे पास है पहले से सर, इंटरेस्ट था, मैं पढ़ करके उसको अप्लाई भी कर रहा था, लेकिन सारे गलत हो रहे थे और मैं यहाँ धक्का दे दे कि आपके पास आ गया, अपनी मर्जी से नहीं आया। वो हमारे सर है बैठे हुए, एपी मुक्ता सर हमारे मेंटर है, और कुछ भी हम लोग दोनों डिस्कस करके करते हैं, अभी तक अपन जो भी किए इनके कहने पे ही किया। तो इन्होंने कहा ये नवल चलो वास्तु सीख के आते हैं, एक सर है बहुत अच्छा मैंने देखा है, उन्होंने कहा ये फिर अपना सारा पैसा डुबाएंगे। और ये सोच के कहा चलो कुछ नहीं है तो टाइम पास ही 4-5 दिन कर लेंगे, दिल्ली घूम भी लेंगे, इसी कहने पे चला है यहाँ पे। और जब फर्स्ट डे आपकी क्लासेस थी तो ये एहसास हुआ कि नहीं मैं सही जगह पे हूँ और बहुत कुछ नया सीखा आपसे, और मैंने तो क्लाइंट भी खोज लिया, अभी 40 लिस्ट बना लिए अपन यहाँ जाके पहले पैसे वसूल कर रहे हैं 40। और मेरी ससुराल यहाँ दिल्ली में ही है जितनपुरा में, मैंने बोनी भी कल कर लिया सर अपने वहाँ से। आपके आशीर्वाद से इतना गेन हुआ, कल 5000 का गेन भी मैंने कर लिया फर्स्ट में, और सोचा जाते जाते वहाँ पहुँचते पहुँचते कम से 1-1.5 लाख तो कमा ही लूँगा। मैं ये जो नया कॉन्सेप्ट है मैं अपने झारखंड में भी फैला सकूँ, ताकि वहाँ के भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इससे खुश हो सके और खुशहाल हो सके। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आई एम प्रैक्टिसिंग पैथोलॉजिस्ट। मैं सिर्फ 30 सेकेंड में कहना चाहती हूँ कि दिस कोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल इक्विलिब्रियम ऑफ लाइफ टोटल। जिसको डॉक्टर्स साइकेट्रिस्ट जो हैं उनकी तो आधी प्रैक्टिस ही खत्म हो जाए अगर आधे लोग ये खत्म हो। आपने इतना जितेंद्र को याद किया है तो एक जितेंद्र का गाना था, एक बंजारा गाए जीने की राह दिखाए, वो आप दिखा रहे हैं। महावस्तु इसको अगर हम शहद का नाम दें तो इसके 2-3 बूंदे यहाँ आने के पहले मैंने चखी। तो इस तरह से मेरे काफ़ी क्लोज रिलेटिव है, उनका एक फैब्रिकेशन का बिजनेस है। अब बिजनेस है तो कम ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है, लेकिन हाँ कुछ पिछले जिले में कुछ ऐसा हुआ था कि बड़ी अमाउंट मार्केट में स्टक थी और नए ऑर्डर्स नहीं आ रहे थे, तो महावास्तु एक्सपर्ट जो पहले से थे उनकी कंसल्टेशन से उनके घर में कुछ रेमेडीज किया और सर चमत्कार वहीं पर हुआ। अभी ये सर थोड़ा हार्ट बीट मेरे बढ़ रहे वो बताते हुए, क्योंकि रेमेडीज करने के बाद अगले 12 दिनों में 7 POs उनके घर पे थे परचेस ऑर्डर। आई हैव बीन स्टडिंग फेंग शुई सिंस ईयर 2000। आई वेंट टू मलेशिया, आई हैव लर्नड इट फ्रॉम वेरियस मास्टर्स, ऑफ कोर्स आई लाइक दैट आल्सो, बट कमिंग हियर माय पर्सपेक्टिव हैज टोटली चेंज्ड टुवर्ड्स दिस एसोटेरिक साइंसेस। This is a very practical approach. You don't have to break things, you don't have to do anything, otherwise it becomes very difficult to convince clients that aapko ye bathroom todna padega, aap use nahi kar sakte, aap band kar dijiye. This has given us lot of options. Bahut acche, bahut acche. Main apne ek center chalata hu, uska acupressure, reiki, meri wife vastu aur tarot card bhi karti hai. Main apni wife ke sath jata tha vastu ke liye karne ke liye, तो कई बार मैं देखता था इंट्यूटिव लेवल पे हम कुछ भी कर देते तो रिजल्ट आ जाते थे, पर हमें पता नहीं था उसका। तो कायदे में तो हमने पहली बार वास्तु सीखा है और आज आगे से इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि आज तक जो भी हमने करा इस तरीके से कभी भी नहीं करा। तो मैं आपको थैंक्स करना चाहता हूँ कि आपने सिंप्लीफाइज वे से इतना ईजी कर दिया है, सारी जानकारी बिल्कुल क्लियर कर दी है। अगर हम कोई भी आदमी किसी फील्ड से जानता हो या ना जानता हो, बस इनको पढ़ के बड़ी आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकता है, रिजल्ट ले सकता है, ना ही अपनी लाइफ बदल सकता है औरों की लाइफ बदल के पैसे भी ले सकता है। सर मैं आपकी एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने बड़ी फ्री काम करे, बहुत फ्री करे, तो मैं घर पे डिस्कस कर रहा था, वाइफ को परेशान रहती थी बिना पैसों के काम करते, तो मैंने कहा सबसे पहला लेसन जो बताया था आपने कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है मनी, तो वो बड़ी खुश हुई, उसने कहा चलो जिस पर्पज से भेजा था वो हो गया। मैं हमेशा एक चीज़ सोचता रहता था कि अभी भी सोचता हूँ, मंथन करते हैं कि कोई यूनिवर्सल लॉ है जो गवर्न करता है हम लोग को। मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ, इंजीनियर हूँ, एमबीए हूँ, बट लेकिन उस पर इतना होने के बावजूद भी उस पर बिलीव नहीं है उतना, उन साइंटिफिक मेथड्स पर इतना बिलीव नहीं है जितना अपनी ट्रेडिशनल चीज़ों पर बिलीव है। तो वो यूनिवर्स क्या है, कैसे है, उस पर मंथन करता हूँ कि एक यूनिवर्सल लॉ ज़रूर होगा जो कि शायद उसकी शुरुआत यहीं से होती है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो चीज़ जो मैं ढूंढ रहा था शायद यहीं से उसकी रास्ता है, तो दैट इज़ आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। अभी तक लाइफ कंट्रोल कर रही थी हमें,
और शायद अब हम लाइफ को अपनी तरीके से कंट्रोल करना सीख जाएंगे. दैट इज सो इम्पोर्टेंट. यस, मैं चाहूंगी सारी दुनिया में फैले, महावास्तु सारी दुनिया में फैले और इतना फैले कि शायद दुनिया के बाहर भी फैल जाए. क्यों? क्योंकि आपने कहा ये संबंध जन जन्मांतर तक चलते रहने वाला संबंध. आज हम दुनिया की जो हालत देख रहे हैं उसे देखकर ये महसूस हो रहा है कि न जाने कब से ये दिशाएं लोग भूल गए और दुर्दशा में पड़ गए. किस तरह से जन जन्मांतर का इकट्ठा किया हुआ कचरा डिस्पोज हो और ये दुनिया दोबारा बैलेंस में आ जाए, इसके लिए मेरे ख्याल से इससे अच्छा कोई और साधन हो नहीं सकता. थैंक यू सो मच. कुछ टाइम पहले वही वीडियोस वगैरह ही देखी आपकी, जो देखा तो उसके अंदर समझ कुछ नजर आया कि हाँ यार ये कुछ अलग चीजें हो रही हैं, कुछ एक्टिविटी हो रही है. वो एक्टिविटी को थोड़ा सा नोटिस करा, अपने घर में भी लगाया, जैसे रेड बल्ब साउथ ईस्ट में लगाना था. बहुत अच्छा फील हो रहा है अभी ये कोर्स करके, और ये सच में सबको करना चाहिए, सबको करना चाहिए, अपने बच्चों को भी करवाना चाहिए, बड़ों को करवा, सब करें, सबके लिए है ये कोर्स. क्योंकि ये चीज़ एक ऐसी चीज़ है जो कि एक बेसिक लेवल, एक बेसिक चीज़ है. किसी को अगर जीना है लाइफ में प्रॉपरली तो उसको वो आना चाहिए. चेक दूसरों का नहीं भी कर रहा अगर, पर वो अपना भी अगर ठीक करके चलता है तो उसकी लाइफ, उसके बच्चों की, उसकी जून सुधर जाएगी. ये लगता है मेरे को. बहुत अच्छा, थैंक यू. तो हिमांशु देसाई, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, CPA हूँ फ्रॉम टोरंटो. तो अगर आप अपना जीवन अच्छा करना चाहते हैं, अपना अपनी लाइफ वाइफ, आई थिंक आई वुड रिकमेंड टू एनी वन एंड एवरी वन हु वॉन्ट्स टू मेक चेंज इन देयर लाइफ. ग्रेट, थैंक यू. ग्रेट बिकॉज हमको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिला है यूट्यूब देख कर, हमने कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट किया है. दैट्स व्हाई वी आर ऑल ऑफ अस आर हियर. The difference between watching YouTube and taking benefits and coming here and experiencing is like कि सामने भगवान आके आपको बोल भी दे या वो vibrations आ जाए, logical है, ये है वो, everything is right sir. But the difference what you are passing, I don't know, because it's been 1.5 years. आप 3 दिन से पूछ रहे हैं कोई सोया है क्या. I have not slept for 1.5. Middle of the night, you know, I get connected somehow and today I am here. So that's the difference. कि आप आए हैं सामने YouTube से देख के तो सब फायदा लीजिए जरूर आए, that is what I'll say. But when you come here, it's divine, it's different. जो knowledge transfer होती है subconsciously, आप जैसे बता रहे हैं होती है, उसका तो कोई मेल ही नहीं हो सकता. It's like God in front of us and giving us all the directions from all the angles, from all the zones. So I think we should come and benefit, not only help ourselves. I feel I have to help others, and on this platform I don't want to say what I was going through, but aapka wo jo NNE ka tha sir, wo bahut true hai, because mere jaise I've met so many people. Unki madad kariyega. Exactly sir. Aap jaakar यही ध्यान करेंगे और ये जो व्हाइट लाइट है ये सारे सेल्स को रेजुवनेट करेगी और जो भी कोई रोग है उनको दूर करेगी और आप बिल्कुल स्वस्थ होके सेवा करेंगे सर. थैंक यू सर. ठीक है, गुरु जी को शत-शत नमन. सो सबसे बड़ा एडवांटेज ये कोर्स करने का यही है कि यू विल रियली एक्सपीरियंस द ट्रू नॉलेज, एंड ओनली थ्रू दिस ट्रू नॉलेज यू कैन build your lives, and also you can create amazing environment around yourselves. वास्तु जैसे इतने गहन विषय को 12,000 साल पुराने विषय पे आपकी जो पूरी रिसर्च है उसका निचोड़ इतने डिटेलिंग से दी है आपने, आपकी टीम ने, इरेग्युलर प्लॉट्स पे कैसे वर्किंग करना, सेंटर कैसे निकालना, एक बार ही नहीं 3 बार 4 बार जितने बार क्वेश्चंस आए, जितने बार डाउट्स आए, सेम क्वेश्चंस को भी हंसते हुए रिप्लाई किया है. ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है. कल सर 9 बजे तक, 9:30 बजे तक आई एम सॉरी यहाँ पे थे क्योंकि वो सेशन कंप्लीट करना चाहते थे. सर ने अपनी इम्पॉर्टेंट मीटिंग को डिले किया या पोस्टपोन किया, बट दिस शोज़, मैं ये इसलिए बोल रही हूँ कि दिस शोज़ द सिंसियरिटी एंड द डेडिकेशन विद विच द कोर्स इज़ कंडक्टेड.
the way in which you people are really interested in sharing and transferring the knowledge and giving the right knowledge. But I believe this course is very holistic because it teaches you the way to lead your life. आप अपने जीवन को वास्तु को छोड़कर भी अपने मन को बैलेंस करना और अपने जीवन को किस तरह से सुंदर बनाना, इग्नोर करना इररिलेवेंट चीज़ों को और हैप्पी रहना हमेशा, हाउ दिस इज़ हेल्पफुल और भी बहुत सारी चीज़ें. बट यस, ज्ञान तो बिल्कुल है, ओवरलोडिंग है, चार दिन में भी है एंड प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं होगा. बट ये आपने कहा था, प्रॉमिस दे रहा हूँ कि आपको सब कुछ दूंगा, हमें सब कुछ मिल गया है. एंड एक ही चीज़ से नहीं, वेरियस वेज से, कि किसी ने अगर कोई स्टोन्स पहने हैं, किसी की एस्ट्रोलॉजी के थ्रू भी पता करना कि भाई इस बंदे के घर में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बातों को पकड़ के ऑब्जर्वेशन इंक्रीज करके कैसे हम प्रॉब्लम्स पकड़ सकते हैं. और अगर हम ये चीज़ को भी प्रैक्टिस करें डेली, फ्रेंड्स की बातों को भी ध्यान से सुने, तो शायद हम प्रॉब्लम्स का निदान निकाल सकते हैं. थैंक यू वेरी मच सर.